तो प्रीवियस वीडियो में आपने द पेस फॉर लिविंग यानी जीवन की गति का आपने वर्ड मीनिंग देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसका पूरा हिंदी देखेंगे, इस पूरे कहानी का हिंदी देखेंगे, एक एक लाइन का हिंदी देखेंगे। तो अगर आप क्लास 10th या इंग्लिश के किसी भी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दे। देखिए आपको दिख रहा होगा अभी भी जो मीनिंग लिखाए थे ना, वो पीछे देखिए अभी भी आपको दिख रहा होगा। देखिए ये इसमें है, और यानी शुरू कहाँ से हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था। तो देखिए ये अभी भी यहीं पे है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हिंदी करेंगे। तो देखिए दी पेस फॉर लिविंग यानी जीवन की गति। तो जीवन की गति के राइटर कौन है, राइटर है RC हचिंसन, RC हचिंसन। तो देखिए जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव का भी बीच में ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए RC हचिंसन ए ब्रिटिश नॉवलिस्ट एग्जीबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशूज ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी विद ऑल इट्स कॉन्ट्रेडिक्शंस एंड पैरा डॉक्सेस। यानी RC हचिंसन एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट यानी नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एग्जीबिटिस मतलब प्रादर्शनिक, और एक असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने पैराडॉक्सेस यानी जिन्होंने जो पैराडॉक्स का मतलब जो थोड़े एबिलिटी में हम लोगों से कमज़ोर रहते हैं यानी हैंडीकैप्ड लोग रहते हैं, उनके सेंसिटिव इशू यानी समाज में जो उनके लिए जो सेंसिटिव इशू थे, जो मार्मिक बुराइयां थी यानी उनको दूर करने के लिए बहुत ही असाधारण प्रयास किया। तो चलिए आगे चलते हैं। इन दी पेस फॉर लिविंग यानी जीवन की गति में RC हचिंसन कैप्चर्स दी एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। और इसमें जो है ना RC हचिंसन इस चैप्टर में आधुनिक व्यक्ति का एक जीवन को कैप्चर करते हैं। चलिए ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट हर्ट्स द नॉर्मल रिदम एंड एग्जर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मैन वोमेन और चिल्ड्रेन। वे इस बात को इस चैप्टर में बाहर लाएंगे कि किस तरह से आज आदमी वस्तु और ऑब्जेक्ट इतने फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं जिससे कि क्या आदमियों बच्चों और महिलाओं पर उनका प्रेशर अधिक पड़ रहा है। तो देखिए टॉक टू योर फ्रेंड्स अपने मित्रों से बात करें और उनका ओपिनियन दें। डू यू फाइंड लाइफ डेंजरसली और फास्ट यानी आपसे उनसे पूछना क्या आप अपने जीवन में नॉर्मल काम करते हैं या बहुत फास्ट हैं। आर यू सेटिस्फाइड विथ वाट यू सी टू डू क्या आपने आज जो देखा क्या तुम उससे सेटिस्फाइड हो। अपने मित्र से ये दो प्रश्न पूछना। अभी तक तो देखिए ऊपर में RC हचिंसन के जीवन के बारे में कुछ था, अब हम लोग चलेंगे मैन रियल स्टोरी पे। आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एंडरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। देखिए मैंने डबलिन में एक नाटक देखा। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है कि नाटक कहाँ देखा, तो डबलिन में। नॉट लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले नहीं, जिसका चीफ कैरेक्टर एक मक्के का व्यापारी था जो एक छोटे से आयरिश कंट्री में रहता था। तो एक और ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि वो किस कंट्री में रहता था, आयरिश कंट्री में। ही वॉज ए मैन ऑफ मैनी एंजाइटीज यानी उसका वो आदमी जो था ना बहुत ही दुख और चिंता से भरा था। हिज हार्ट वाज डिकी उसका हृदय जो था वो भारी था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम उसका खुद का भतीजा उसके चीटिंग कर रहा था, उसे धोखा दे रहा था। हिज वाइफ हैड द फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग
€10 ऑन ए हॉलीडे, और उसकी पत्नी जो थी वो हर छुट्टियों पर €10 खर्च करने कर देती थी, यानी बहुत खर्चीली थी। एंड टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, यानी नॉर्मली जीवन की गति उसके लिए काफ़ी फास्ट थी, यानी उसे लगता था ना कि मेरे हिसाब से जीवन की गति बहुत अधिक फास्ट चल रही है, ठीक है। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही इंटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, और वो निराश हो जाता था, वो निराश होकर उसका दिल जो है वो भीतर ही भीतर रोता था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ एट गोज एट 1000 मीन्स एन आवर नाउ दैट्स टू फास्ट। वे बताते हैं कि किस तरह से आजकल एक एरोप्लेन 1000 मील्स पर आवर, यानी एक घंटे में 1000 मील्स, यानी लगभग 1700-1800 किलोमीटर तय कर सकता है, जो कि बहुत अधिक फास्ट है, ठीक है। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, द मैंस कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इन रिवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन। मेरे लिए नाटक का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था, दी मैंस यानी आदमी की शिकायत थी कि उसकी सिचुएशन जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, एंड बिसाइड्स, और आगे चलते हैं, बीइंग कॉमिक इट स्ट्रक मी एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश एट सबटन ट्रूथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस यू सॉ दैट व्हाट द फूल मीन्ट। और उसे लगता था ना कि मेरा जीवन एक कॉमिक की तरह बन चुका है, यानी मैंने जो प्राप्त किया है वो स्टेबल नहीं है। यू सॉ व्हाट द फूल मीन्ट, यानी वो खुद को एक मूर्ख की तरह समझने लगा था। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, नोट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, यानी मैं जो है इस गति का विरोध नहीं करता हूँ, यानी ये जो बढ़ रहा है ना तेजी से मूवमेंट, इसका विरोध नहीं करता हूँ, ना पसंद नहीं करता हूँ। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 मील्स एन आवर, मैं एक कार में 90 मील प्रति घंटा से सफ़र करना पसंद करता हूँ। सो लॉन्ग आई एम ड्राइविंग एंड लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार, क्या मैं उसमें ड्राइव कर रहा हूँ और यह मेरी कार नहीं हो तो। आई एडोर द मशीन्स, मैं मशीनों से प्यार करता हूँ। दैट हर्न यू अबाउट बेटर सी, जो कि आपको सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। जैसे देखिए आजकल इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका है ना कि टू डाइन इन लंदन, आदमी जो है लंदन में अगर रात का खाना खाता है तो फिर क्या अगले दोपहर लंच जो है वो क्या न्यूयॉर्क में कर सकता है, जो कि एक यूके में है और एक यूएसए में है, जो कि एक मोस्ट बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस हो सकता है कि आज एक आदमी इंग्लैंड में है तो कल यूके में हो सकता है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, एक्सक्लूड्स ऑन द रियल प्लीजर्स ऑफ ट्रैवल, यानी कि इस तरह के ट्रैवल में बहुत अधिक खुशी है। दिस सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समर सी स्पेन, बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, इट वॉज ए शॉर्ट एक्साइटमेंट, आवर एनसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट एंड बी माइट जस्ट आस एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। यानी कह रहा है ना कि देखिए हम इस तरह के, यानी ये बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस देता है, बट हमारे पूर्वज तो इन सभी के बिना ही रहते थे, फिर भी वो क्या थे, खुश थे ना, और ये आपको इन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड, लेकिन देखिए स्पीड जो है ना कभी कभी मेरे लिए अनफ्रेंडली हो जाता है, मेरा शत्रु हो जाता है, मेरा मेंटल एक्टिविटी जो है ना उस टाइम धीमा पड़ जाता है। एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स, यानी जो है ना
मशीन्स की गति को फॉलो करते करते क्या होता है, नेचुरली मेरा माइंड जो है उसके सामने क्या होता है, धीमा पड़ जाता है। आई स्पीक विथ प्रिजुडिस, यानी मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स दोज हु आर कस्ट विथ आई स्पिरिट डी एन स्क्लेरिट पीपुल हु डाइट ऑन मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर। यानी यह इसलिए इस तरह से बोल रहा है ना कि मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज मैं एक स्लो थिंकर हूँ, मैं क्या हूँ, एक स्लो थिंकर हूँ, जिस तरह तो मुझे ये स्पीड जो है कभी कभी एक श्राप के जैसा लगता है, क्योंकि कभी कभी 4 घंटे की पार्टी ख़त्म होने के बाद मैं सोचते रहता हूँ पार्टी के बाद, यानी कि पार्टी में क्या हुआ था, और कुछ लोग इन्जॉय करते रहते हैं। आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटीड टू गेट द लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। मैं उन सभी में से एक हूँ जो कि गारंटी देता हूँ, अगर इंटेलिजेंस यानी हमारे इंटेलिजेंस का टेस्ट हो तो मैं सबसे कम मार्क्स लाऊंगा, क्योंकि ये टेस्ट जो है ना, अगर आप दिमाग के स्पीड का टेस्ट करिएगा तो हम लोग ये जो स्लो थिंकर्स है वो टेरिबली भयंकर रूप से अपाहिज नज़र आते हैं, विकलांग नज़र आते हैं। बट वाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नो इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एंड इट्स यूज फॉर इंजॉयमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। एज एन एग्जाम्पल, यानी एक एग्जाम्पल है, वेन आई गो टू सिनेमा, जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग, मैं खुद को एक लाचार अवस्था में पाता हूँ। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes, और हर 2-3 minutes के बाद मैं अपने वाइफ की तरफ ज्ञान के लिए घूमता हूँ, यानी उससे जानने के लिए घूमता हूँ कि मूवी में क्या हो रही है। आई विस्पर, मैं उससे पूछता हूँ, फुसफुसाता हूँ, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग, क्या यह वही लड़की है जिसे हम लोगों ने शुरुआत में देखा था। एंड सी विस्पर्स बैक, और वो वापस बोलती है, नो देयर आर 3 girls इन दिस फिल्म, यहाँ 3 लड़कियाँ, एक लंबी गोरी, एक छोटी गोरी और एक मीडियम साइज की थोड़ी श्यामली लड़की है, उसे आप ए बी और सी बनाइए। दी हीरो इज दैट मैन, यानी हीरो एक आदमी है, हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम डोर्स, जो कि दरवाजे से अपने टोपी को खोलते हुए अंदर आता है। ही इज गोइंग टू फैल इन लव विथ गर्ल्स बी सी ए इन दैट ऑर्डर एंड सो इट प्रूव्स टू बी, यानी वह जो है ना एक एक करके तीनों लड़कियों के साथ प्यार में गिरता है, पहले बी फिर सी फिर ए। देयर यू हैव ए माइंड विच हैज ट्रेंड इट सेल्फ टू वर्क इन हाई गियर थ्रू एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेन, यानी आपको अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेंड करना होगा जिससे कि, यानी जिस तरह से ये फास्ट में ये सभी चीज़ें चल रही है तो ही आप ये समझ सकते हैं। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फिल्म पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कम्फर्टेबली विथ रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शंस। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि मेरा जो ये फेलो पेशेंट्स, यानी मेरा जो ये धीमा सोचने वाला जो बीमारी है, जो रोग है, जो मैं इसका मरीज हूँ, क्या फास्ट सोचने वाले लोग इसको कंफर्टेबली इसे अपने दिमाग में रख पाते हैं, जो कि सीन में इतना तेज़ी से एक्शन और सीन में लगातार चेंज होता है। दे थिंक मच फास्टर देन पीपुल डिड 30 years एगो, वे बहुत तेज सोच सकते हैं जो व्यक्ति 30 साल पहले सोचते थे। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डिड नॉट थिंक फास्ट इन दी हाई स्ट्रीट नॉलेज मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट
और फिर लास्ट में देखिए ये मान रहा है ना कि पॉसिबली या संभव है कि जो व्यक्ति आज के इस जीवन में फास्ट नहीं सोच पाएगा उसे इस जीवन में दूसरा मौका कभी भी इस संसार में करने को नहीं मिलेगा। इसलिए इंसान को इस बढ़ती दुनिया में बढ़ती स्पीड के साथ खुद को भी थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था देखिए इस पूरे चैप्टर का हिंदी। अगर आपको इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो देखिए इसमें जो है ना थोड़ा सा यानी लंबा गया है, तो आप नेक्स्ट वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको सिर्फ इस कहानी को शॉर्ट में 2 से 3 मिनट में बता दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।